यानी फीमेल पोर्टिसाइड यानी बच्चा गिरा दी, इसलिए उसने डॉक्टर ने उसका चाइल्ड को चेक करने के लिए मना कर दिया। इससे क्या होगा, अगर लड़की मरती चली जाएगी तो सेक्स रेशियो में कमी हो जाएगी, ठीक है, लड़कियां कम होंगी और लड़के ज्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट आई चलते हैं, बाय ब्लू प्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन आर शोड इन द डी एन ए वाई, यानी बॉडी का जो ब्लू प्रिंट ऑफ बॉडी डिजाइन जो होती है वो डी एन ए में स्टोर नहीं होती। वाई द क्रोमोसोम्स प्रिवेंट प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेंस इन्फॉर्मेशन, ये हम जैसा कि जानते हैं क्रोमोसोम जो होते हैं न्यूक्लियस में वो इनहेरिटेंस की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें, इनहेरिटेंस की यानी कि हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो क्रोमोसोम्स के जरिए जाती है, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डीएनए के रूप में, जबकि मॉलिक्यूल द डीएनए इज द इन्फॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन, और डीएनए जो होता है वो प्रोटीन बनाने के काम में भी आता है। सो द ब्लू प्रिंट ऑफ द बॉडी डिजाइन आर स्टोर्ड इन द डीएनए, यानी कि ब्लू प्रिंट जो होता है बॉडी डिजाइन वो डीएनए में स्टोर होती है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन एज वेल एज मल्टीपल फिजन, इन योर ओपिनियन विच प्रोसेस इज बेटर एंड वाई, प्रोटोजोआ में कौन सा प्रोसेस फायदेमंद रहेगा, बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन? मल्टीपल फिजन ही बेटर, मल्टीपल फिजन जो होता है बेटर होता है, क्यों? क्योंकि बोन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस, उसमें बोन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा, इट हेल्प्स टू टाइड अवर अनफेवरेबल कंडीशन, और जबकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं। आगे था व्हाट कॉज इज जॉइनिंग अप ऑफ स्टॉक एंड सीएन इन अ ग्राफ्टिंग टेक्निक ऑफ वेजिटेबल प्रोपेगेशन इन प्लांट्स, डिफाइन द टर्म स्टॉक एंड सीएन, यानी ग्राफ्टिंग प्रोसेस में जो हम प्लांट का हिस्सा जो काट के दूसरे को साथ बांध देते हैं उसको स्टॉक और सीएन बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बारे में आपको बताना है, कैसे बताना है भाई, नेम द पॉजिटिव ट्रेट विच ऑफ द प्लांट कंट्रीब्यूटी सीएन एंड स्टॉक शुड हैव, और एक वन पॉजिटिव ट्रेड भी बताना है। स्टॉक इज द रूट ऑफ प्लांट, स्टॉक जो होता है वो रूट ऑफ प्लांट, प्लांट की रूट रूट होता है, विच इज बींग ग्राफ्टेड एंड ऑन एंड सीएन, जो कि सीएन के साथ बांध दिया जाता है, इज द प्लांट विच इज ग्राफ्टेड ऑन द स्टॉक एंड डिजायरेबल ट्रेट विच इज रिक्वायर्ड इन दिंग इन द पॉजिटिव ट्रेड, फॉर एग्जाम्पल लार्ज नंबर ऑफ फूड प्रोडक्शन, ग्राफ्टिंग के द्वारा जो सबसे ज़्यादा फूड प्रोडक्शन की जाती है, ठीक है, और एनी डिजायरेबल ट्रेड, कोई भी ट्रेड का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक, एनी डिजायरेबल करेक्टरिस्टिक विच इज रिक्वायर्ड इन द ऑफस्प्रिंग इज द पॉजिटिव ट्रेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, व्हाई इज इट सेड दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट डाइवर्सिटी ऑफ करेक्टरिस्टिक इन द ऑफस्प्रिंग, ऐसा क्यों कहा जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बहुत सारी डाइवर्सिटीज होती हैं ऑफस्प्रिंग में, क्योंकि बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट इज फॉर्मेशन फ्यूजन ऑफ टू गैमेट, भी जैसे कि हम जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, पेरेंट मेल और फीमेल, इसी कारण उनमें वेरिएशंस आते हैं, ठीक है। नेम द क्वालिटी ऑर्गेनिज ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस और गोनोरिया किस ऑर्गेनिज के कारण होते हैं, ऑन द अदर प्लांट इट कंट्रोल्स द स्टेम, सॉरी इट कंट्रीब्यूट द स्टेम, द प्लांट कंट्रीब्यूटिंग सीएन शुड हैव लार्ज साइड फ्रूट एंड प्लांट कंट्रीब्यूट स्टॉक शुड हैव डीप रूट सिस्टम, तो सिफिलिस और गोनोरिया के जो ऑर्गेनिज्म का नाम लिखना है उसका नाम है ट्रेपोनेमा पॉलीडम, जो बीमारी है वो सिफिलिस करता है, सॉरी ट्रेपोनेमा पैलेडियम नाम का जो ऑर्गेनिज्म है उसके कारण सिफिलिस बीमारी होती है, और निसेरिया गोनोरिया इसके कारण गोनोरिया बीमारी होती है। नेक्स्ट आगे, दोनों ही कैंसी हैं, एसिडी बीमारियाँ हैं, ठीक है। वॉट हैपन्स इफ द फैलोपियन ट्यूब आर पार्शियली ब्लॉक्ड, अगर फैलोपियन ट्यूब को पार्शियली ब्लॉक्ड करते हैं, एंड द ओवुलेटेड एग प्रिवेंटेड फ्रॉम रीचिंग द यूट्रस, यानी ओवुलेटेड जो एग होगा वो प्रिवेंट हो जाएगा, यूट्रस तक नहीं पहुँचेगा, क्या नाम मतलब फर्टिलाइजेशन मे टेक प्लेस, क्या नाम मतलब बेटा, क्वेश्चन हमारा कह रहा था वॉट हैपन्स, क्या होगा यदि फैलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाए पार्शियली, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन मे टेक प्लेस, तो हो सकता है फर्टिलाइजेशन में टेक प्लेस, मतलब फर्टिलाइजेशन प्लेस वो ले ले, बट द जायगोट में डेवलप इन द ट्यूब स्टील ऑफ यूटरस, लेकिन फर्टिलाइजेशन जो होता है वो टेक प्लेस हो जाएगा, मतलब हो सकता है प्लेस ले ले, बट जायगोट जो होगा वो में डेवलप इन द ट्यूब में ही होगा, ठीक है, जायगोट जो होता है वो केवल फैलोपियन ट्यूब में ही डेवलप होता है, ठीक है।
वाई आर वेरिएशन पॉसिबल इन द प्रोगनी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं क्यों, आपको बताया था क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं।